Okay, you want me to give a statement? Anybody? Do you have any information department? Just some statement. Okay. मैं लद्दाख में कारगिल में दो तीन ऑब्जेक्टिव्स लेकर इस बार आया हूं। पहला, जैसा आप जानते हैं कि एक आरटीपीसीआर लैब जिसका इनॉग्रेशन मैंने करा, और ये लैब बायोसेफ्टी लेवल 2 की लैब होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि हमने लिया है। इनके पास एक 96 पीसेस आरएनए पीसेस, उसको एक्सट्रैक्ट करने की मशीन साथ में है, जिससे कि थियोरेटिकली एक बार में 96 सैंपल्स का टेस्टिंग हो सकती है। और अगर दिन में दो बार मैं साइकिल चला सकूं, तो करीब 200 पीसेस की 200 सैंपल्स टेस्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कोरोना चलने वाला है कुछ और टाइम, और ये फैसिलिटी कारगिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इसके अलावा दो तीन चीज़ें जो और करी गई, एक तो एक यूटी लेवल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, जिसमें कि 100 डेज प्रोग्राम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जितने भी ले कारगिल में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और स्कूल्स हैं, उनमें टारगेट रखा गया है कि पानी की सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। काफ़ी मुश्किल काम है, ऊपर से जाड़े भी आ रहे हैं, लेकिन इसकी हम लोग कोशिश करेंगे, जहां तक संभव हुआ उसको करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ दो और प्रोग्राम करे गए, एक प्रोग्राम जो कि फील्ड टेस्टिंग किट्स, उनको कैसे यूज़ करना है, अवेलेबिलिटी क्वालिटी ऑफ वाटर टेस्टिंग, उस पर प्रोग्राम कराया गया। दूसरा प्रोग्राम एक फैसिलिटी जनरल पब्लिक को उपलब्ध कराने कि कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ लद्दाख कैन गो टू ए पब्लिक लेबोरेटरी एंड गेट हिज वाटर सैंपल टेस्ट। ये कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि जो भी पानी वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है या उन्होंने खुद व्यवस्था करी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको चेक करा जाए। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो कि करी गई, स्मार्ट सिटी। पूरे देश में जैसा आप जानते हैं कि कंपटीशन बेसिस पर 100 सिटीज़ वर सेलेक्टेड फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ स्मार्ट सिटी। हम लोगों ने कोशिश करी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ, और दो शहर लेह और कारगिल दोनों को स्मार्ट सिटी के अंडर में लाया गया है। उसके लिए टीम यहाँ पर आई है, और वो टीम, उस टीम ने हमारे सामने भी माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के सामने प्रेजेंटेशन करा, डिस्कशंस करे, और ये टीम जाके रिपोर्ट देगी, उसके बेसिस पर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। हमें उम्मीद है कि लेह कारगिल दोनों ही स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा आज मैं सांकू गया था लोगों से मिलने, कल भी ओपन इनविटेशन था, जो भी आए मिले, और काफ़ी सारे डेलीगेशंस ने मेरे से मुलाकात करी। कारगिल में आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जोजिला टनल के लिए ब्लास्ट ऑफ सेरेमनी भी करी गई, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ काम शुरू भी हो गया है, और जाड़ों में नेचुरली इतना काम नहीं हो सकेगा। जो केंद्रीय मंत्री गडकरी जी हैं, उन्होंने टारगेट रखा है कि 4 साल में ही यह टनल पूरी होनी चाहिए, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल उनका है 6 साल का। मुझे उम्मीद है कि इस टनल के बनाने के प्रोसेस में काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी,
लोगों को काम मिलेगा, व्हीकल्स का, ट्रक्स का, इंजीनियर्स का, सभी को कुछ ना कुछ एक बेनिफिट मिलेगा। तो एक ये मेजर डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा जाड़े में जो तैयारियां नॉर्मली हर साल होनी चाहिए, उसके लिए सीसी साहब ने ऑलरेडी मीटिंग करी है। ले में जैसे ही काउंसिल का इलेक्शन कंप्लीट होता है, यूटी लेवल पर भी पूरे यूटी के लिए क्या तैयारियां होनी है उसकी एक कोशिश करी जाएगी। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लास्ट ईयर जो लेवल एयर सर्विसेज का, एयर सपोर्ट का कारगिल में रहा है, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक उसी पर मिल सके, क्योंकि इस वर्ष एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है। एयरफोर्स का अपना ड्यूटीज़ है ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें भी थोड़ा बिजी रहते हैं वो, तो कितना कर पाएंगे। तो ए मिक्स ऑफ सिविलियन एंड एयरफोर्स, उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना संभव हो एयर सर्विसेज यहाँ पर रखी जा सके। ब्रॉडली कारगिल में आकर मैंने यही करा। डीसी साहब के ऑफिस में कुछ रिनोवेशन हुए हैं, उसका भी एक फाउंडेशन, एक्चुअली इनॉग्रेशन स्टोन मैंने लेकर आ। हमारी कोशिश यही होगी कि जितना एडिशनल फंडिंग मिल रहा है भारत सरकार से, उसको किस तरह से अच्छे से अच्छे तरह से यूज़ करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जाए। उसके लिए भी जो काउंसिल के साथ हमने मीटिंग करी, कहाँ पर काउंसिल को मुश्किल आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व करी जा सकती हैं, तो उसकी तरफ हमने ध्यान दिया है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल मिलकर ही जो भी बजट मिला है उसको खर्च करने की अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। इस साल बजट खर्च करने में आप जानते हैं कि ज़्यादा मुश्किल आई है कोरोना का लेकर, इवन लेबरर्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि जाड़ों में हम तैयारियां करेंगे ताकि अगले सीजन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो जैसे कि लास्ट ईयर जैसे यूटी का इनॉग्रेशन हुआ, आपने कहा था कि पूरे लद्दाख के लोगों से बात करके एक नए लद्दाख के लिए आप एक नींव रखेंगे। तो सर, जो अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है, कंसीडरिंग पेंडेमिक भी हिट हुआ और ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे लद्दाख भी हिट हुआ, तो आने वाले वक्त में सर और उसके बगैर भी कुछ कंसर्न या कहीं से यूटी को लेके खुशियाँ भी हैं और बीच में कंसर्न भी, सर आने वाले वक्त के लिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लद्दाख के लिए, जहाँ से हमने एक दो साल में इतना ऑलरेडी हमारे पास एक डेवलप इकोनॉमिक परसेज हम कहें थोड़ा लॉस हुआ है, सर इन सब चीज़ों को करने के लिए आगे के लिए ओवरऑल लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए आप देखिए, एक हम लोगों ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है विजन 2050, जो कि शेयर करा गया है, ऑलरेडी वेबसाइट पर भी डाला गया है, और जनरल पब्लिक से भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि आपको इसमें जो भी ओपिनियंस हों, जो भी आपके इनपुट्स हों, वो हमको दें। दोनों काउंसिल्स के साथ मैं सेपरेटली बैठूंगा और उनसे भी डिस्कस करा जाएगा कि विजन 2050 में जो बोला गया है कितना ठीक है, क्या चेंजेस होने चाहिए। इसके अलावा आपको जानकारी होगी यूटी लेवल पर एक प्लानिंग बोर्ड का भी कॉन्स्टिट्यूशन करा गया है, जिसमें कि डिफरेंट फील्ड से कई एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय भी ली जाएगी। तो ये कोशिश होगी कि अगले एक दो महीने में विजन 2050 सभी के सहयोग से, सभी की ओपिनियन लेकर हम उसको प्रमुलगेट करें। विजन 2050 में जो हमने एम्फेसिस रखा है वो ये है कि थ्योरी नहीं ज़्यादा बोलनी है, हमें क्या प्रोजेक्ट करने हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, स्पेसिफिक बोलें ताकि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकें। सर, जिस तरह से अगर विजन 2050 की बात करें डॉक्यूमेंट की, तो करगिल के जो लोग हैं, करगिल के रिप्रेजेंटेटिव ने काफ़ी नाराज दिखाई दिया कि कहा कि करगिल को इक्वल शेयर उसमें नहीं मिल रहे, जिस तरह से खेल काउंसिल करगिल ने भी अपने एप्रीहेंशन जाहिर किया था, आगे किस तरह से आप इसके विज करेंगे कि विजन 2050 को इक्वल शेयर करगिल को मिले। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये डॉक्यूमेंट एक कंसल्टेंट ने बनाया है, ये यूटी का डॉक्यूमेंट नहीं है। जब तक लोगों की राय नहीं हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो जाएगा, ये अडॉप्ट नहीं करा जाएगा।
तो पहली चीज तो ये कि कारगिल को या लेह को जो भी इस विषय में बोलना है वो ज़रूर बोलें, और नेचुरली जो भी मेरिटोरियस चीज़ होगी उसको स्कोप दिया जाए। दूसरी चीज़, मैंने जो पहली बार जब मैं कारगिल आया था तब भी बोला था, मैं रिपीट करता हूँ कि ये बैटल जो है ये बराबरी की नहीं है कि अगर 10 रुपया मैंने लेह में दिया है तो 10 रुपया कारगिल में मिल रहा है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज लेह की क्या ज़रूरत है उसको फुलफिल करना चाहिए, कारगिल की क्या ज़रूरत है उसको फुलफिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने पिछले एक साल में देखा होगा कि हर चीज़ में, चाहे वो बजट हो, चाहे मोदी स्कीम हो, चाहे ग्रीन हाउस स्कीम हो, हमने कोशिश करी है कि बिल्कुल बराबरी का हिस्सा मिले। लेकिन मैं बराबरी के प्रिंसिपल को उतना ज़ोर नहीं देता, मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। अगर माने कि कल ये डिसाइड होता है कि कारगिल को 100 रुपये चाहिए लेकिन इस काम के लिए लेह को 85 चाहिए या उसका उल्टा, देन वी शुड टेक दैट डिसीजन। ये बराबरी का प्रिंसिपल कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए मुझे फिर भी बराबर करना है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इट हैज़ टू बी डेवलपमेंट बेस्ड। एयर कनेक्टिविटी बहुत एक बड़ा इशू है सर, यहाँ ये सिविल में एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी सालों से चल रहे सर, इसका प्रोसेस ये कब बनेगा सर? कि डेट मैं नहीं दे सकता, सिर्फ मैं इतना आपको जानकारी में बता सकता हूँ कि ये एयरपोर्ट का एक्सपेंशन ये डिपेंड करता है ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स जो कि DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वही डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने ही हमें ये एडवाइस करा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल, उसके साथ आप कंसल्टेंसी लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। हम लोगों ने जो उन्होंने पैसा मांगा था वी हैव ऑलरेडी पेड, लेकिन वो आज तक नहीं आ पाए हैं शायद कोविड के चलते। वी आर परसुइंग कि वो जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पर अपनी ओपिनियन दें। मेंटली आई वुड से आई एम इवन रेडी कि अगर वो कहते हैं कि लार्ज बॉडीड प्लेन ये यहाँ पर टेक्निकली सूटेबल नहीं होगा, तो जहाँ भी सूटेबल होगा हम वहाँ पर बनाएंगे। लेकिन इट इज़ अ कमिटमेंट कि एक वाइड बॉडीड प्लेन के लायक एयर स्ट्रिप यहाँ पर होनी चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए वी आर कमिटेड, वी वुड बी वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए लास्ट, नहीं इन्होंने नहीं पूछा है। देखिए उसके लिए पहला स्टेप है कि फॉर्मल डिवीजन होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। इस विषय में फाइनल मीटिंग सिर्फ अभी परसों हुई है, इसके बाद MHA के और जम्मू कश्मीर के ऑर्डर्स निकलेंगे। जब तक ये पूरा स्टाफ फॉर्मली हमारे पास नहीं आ जाता तब तक उनका मैं मानता हूँ कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी को बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, कोई रेगुलर नहीं है, कोई 15 साल से बैठा हुआ है लेकिन रेगुलर नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चरिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरह से डिपार्टमेंट्स को स्ट्रक्चर करना है। ये सारी चीज़ें अभी तक हम बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है क्योंकि फाइनल मीटिंग हो गई है तो इस पर हम बहुत जल्दी ही काम शुरू कर पाए। नाउ अच्छा ओके लास्ट देखिए लेह में भी हेडक्वार्टर नहीं बनाया आज की तारीख में, कारगिल में भी नहीं बनाया। कारगिल में आपको जानकारी है कि कुर्बथांग में वी वुड लाइक टू डू, और वहाँ पर आर्मी से एक एग्रीमेंट होना है ताकि वो ज़मीन मिल सके। आर्मी के साथ मैंने भी इस बार बातचीत करी है, जो मैं शायद आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन बता रहा हूँ कि आर्मी के साथ भी बातचीत करी है, और वी आर ट्राइंग टू वर्कआउट कि यहाँ पर जितनी ज़मीन चाहिए फॉर ए सेक्रेटेरिएट, फॉर ए पुलिस हेडक्वार्टर्स, फॉर राजनिवास, वो हमें मिल जाए और उस पर हम जरूर काम करेंगे। नो मोर, थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.